कांग्रेस वैशाली नगर विधानसभा खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर अली वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने कमर कस चुके हैं। अजहर अली को वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों के लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होने के पूर्व अजहर अली ने अपनी टिकट के लिए बाकायदा आवेदन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से निराश अजहर ने अब समाज प्रमुखों के कहने पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अजहर अली ने इस तरह की प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। जी बिल्कुल, वैशाली नगर विधानसभा में कांग्रेस ने प्रत्याशी के लिए आवेदन मांगा था, जिसमें लगभग 67 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें जिला अध्यक्ष ने स्वयं भी आवेदन अप्लाई किया, जिससे कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रही और नवा जो चयन हुआ प्रत्याशियों का चयन उससे भी प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है। और जो अल्पसंख्यक सीट मिलती थी विधानसभा में तो वो भी नहीं मिली है, तो जिससे कि मुस्लिम समाज भी नाराज़ है कि मुस्लिम प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। उनकी मांग करके मुस्लिम समाज जगह जगह पे बैठक ले रहा है और मुस्लिम समाज ने निर्णय लिया है कि अजहर अली को मुझे एक विधानसभा प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार बनाया जाएगा और चुनाव लड़ाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम विधानसभा वैशाली नगर में लगभग 42 साल से रह रहे हैं और लगभग यहाँ 35-34 शहर के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और लगभग इतने ही STC वोटर्स हैं और दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और जो हिंदू वोटर्स हैं। तो हम लोग यहाँ लगभग 10-20 साल से समाज सेवा काम कर रहे हैं, तो सभी से हमारा संपर्क है और हम यहाँ के लोकल निवासी हैं। तो जो BJP वाले ने टिकट दिया है विधानसभा का राकेश सिंह साहब को और कांग्रेस ने मुकेश सिंदाकर जी को, तो इनकी जो छवि है तो उससे बेहतर हमारी छवि है। तो हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ लोकप्रिय हैं, तो सभी समाज के लोगों के साथ हमने समाज सेवा काम किया है, तो कोरोना काल से लेकर उससे पहले उसके बाद, तो सभी से हम चिर परिचित हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और हम अपना खाली मुस्लिम समुदाय के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास उड़ीसा समाज और बंगाली समाज और बौद्धिक समाज और अल्पसंख्यक जो है सभी का समर्थन प्राप्त है और उससे हम यहाँ पे जो कंपटीशन होगा, जैसे BJP से बहुत लोग नाराज हैं तो और भी प्रत्याशी उतरेंगे, जो कांग्रेस में जो रुष्ट हैं वो लोग भी उतरेंगे, तो उसमें हम लोग उसको हमको फायदा मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। पार्टी से जो गलतियाँ किसी भी होती हैं, हो सकता है कि पार्टी का जो विधायक चयन करने में विधायक प्रत्याशी बनाने में थोड़ा त्रुटि हुई हो तो उसको सुधारा भी जा सकता है, और अगर हम यदि प्रत्याशी के रूप में ना लड़के अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं, अगर नहीं सुधारा जाता है तो पहले तो हम निवेदन करते हैं कि उसमें हमको दिया जाए, यदि नहीं होता है तो हम मांग करेंगे कि हम निर्दलीय लड़ते हैं और जीतते हैं तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे, UPA सरकार बनाएंगे।